माय चैनल। आज हम बात करेंगे होंडा लीवो की, जो कि बहुत ही फेमस बाइक है। मेरे पास ये इसका 2018 एडिशन है और आज मैं इसका यूज़र रिव्यू देने वाला हूँ। होंडा लीवो कम्यूटो सेगमेंट की बहुत ही जानी पहचानी बहुचर्चित बाइक रही है। 2018 में भी और 2019 में भी ये रहने वाली है। आज हमारे पास है डिस्क वेरिएंट, अभी तक इसे 8000 किलोमीटर लगभग चलाया है, तो मुझे इसमें किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। ओके फ्रेंड्स, इसके फ्रंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, तो फ्रंट में दिखने में गाड़ी काफ़ी स्टाइलिश लगती है, काफ़ी क्लासी लुक निकल के आता है इसका। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये बाइक काफ़ी बढ़िया है। इसके सामने की बात की जाए तो इसमें सामने एक वाइज़र दिया गया है, नॉर्मल बल्ब टाइप आपको हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, दो इंडिकेटर फ्रंट में आपको मिल जाते हैं जो कि फ्लेक्सिबल हैं, ये नॉर्मल ये आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। उसके बाद सामने में आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के हैं, और दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया हैं। इसमें आगे और पीछे ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं और जो कि 5-spoke अलॉय व्हील के साथ आते हैं, और फ्रंट में आपको 240mm की डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और इसकी डिस्क काफ़ी बढ़िया हैं जो कि इसकी ब्रेकिंग को थोड़ी सी और बढ़िया बना देती है। प्रोफाइल की बात की जाए तो गाड़ी साइड से दिखने में भी काफ़ी बढ़िया लगती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मस्कुलर टैंक काउल दिए गए हैं जो कि दिखने में काफ़ी मस्कुलर और स्पोर्टी लगते हैं, जो कि इसे एक रिजिड बाइक की फील देते हैं। इसमें 110cc का इंजन दिया गया है जो कि 8.5 bhp की पावर निकालता है। वहीं पीछे की तरफ देखें तो इसमें ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं और वही 18 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं ट्यूबलेस टायर के साथ, जो कि दिखने में और चलने में भी काफ़ी बढ़िया हैं। पीछे की तरफ अगर देखा जाए तो पीछे की तरफ भी इसमें काफ़ी बढ़िया इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि फ्लेक्सिबल हैं, आसानी से ये नहीं टूटेंगे, और जो पीछे की तरफ इसमें सस्पेंशन दिए गए हैं वो बहुत बढ़िया हैं, डबल स्प्रिंग सस्पेंशन है, 5x एडजस्टेबल हैं, जो कि इन्हें आप मैकेनिक से या खुद से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, पीछे एग्जॉस्ट नॉट दिया गया है जो कि काफ़ी सूथिंग साउंड निकालता है। साइड में देखा जाए तो पहले की जो लीवो थी उसमें इस तरह की ग्राफिक्स नहीं आते थे, अभी नई होंडा लीवो में इस तरह के ग्राफिक दे दिए गए हैं। अब बात करें इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका काफ़ी स्पोर्टी बनाया है होंडा ने, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर है, और जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे इसे तो ये बहुत अच्छी फील देता है। देखिए आप, यहाँ पे आपको वॉच मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ट्रिप मिल जाएगी। अभी तक मैंने इसे 8807 किलोमीटर चला लिया है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर, न्यूट्रल और हाई बीम का स्विच मिल जाएगा, और नॉर्मल स्पीडोमीटर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो जान लिए हमने इसके स्पेसिफिकेशंस, अब हम जानते हैं इसका एक बढ़िया सा यूज़र रिव्यू कि आखिर ये चलाने में कैसी है। हमने इसे 8000 किलोमीटर चलाया तो किस तरह से चलाया, में क्या क्या दिक्कतें आई, कितना मज़ा आया, तो अब हम बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो हम इसकी कंफर्ट के बारे में बात करेंगे, तो गाड़ी विदाउट सीट कवर तो कोई मुझे खास कंफर्टेबल लगी नहीं, विद सीट कवर इसकी सीट काफ़ी कंफर्ट है। अगर आप, मैंने जो सीट डलवाई है एयर होल्स वाली, अगर वो आप डलवाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन मिल जाएगा, जिससे कि लॉन्ग राइड में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको टैंक काउल्स की वजह से आपको बहुत ही अच्छा थाई सपोर्ट मिल जाएगा। हेडलाइट बोले तो प्रीटी गुड बट नॉट बेस्ट इन दिस सेगमेंट। उसके बाद इसकी माइलेज की बात करें तो माइलेज नॉर्मली अगर आप एक नॉर्मल इंसान की तरह चलाएंगे तो 50 से 60 का माइलेज ही आराम से दे देगी, लेकिन अगर आप इसे 70-80 की स्पीड में लेके गए जैसे कि मैं चलाता हूँ, तो ये 30 या 40, इससे ज़्यादा का माइलेज आपको नहीं दे पाएगी। और अगर आप इसे काफ़ी बढ़िया चला लेते हैं, अगर 40 से 60 के बीच में, तो ये आपको 50 से 60 का माइलेज दे देगी। तो ये टोटली राइडर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये
सामने वाला किस तरह से चलाता है। तो अब बात करें इस गाड़ी की ब्रेकिंग की, तो इस गाड़ी की ब्रेकिंग 240 mm की डिस्क होने के कारण काफ़ी बढ़िया हो जाती है। जैसे कि नॉर्मली हमें सिखाया गया है, इंडियंस लोग ज़्यादातर पिछले ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब दोनों फ्रंट और रियर ब्रेक का जब आप कॉम्बिनेशन बना के अगर इस्तेमाल करें तो ब्रेक आपकी काफ़ी रिस्पॉन्सिव रहेंगे। उसके बाद इसकी बात करें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो मुझे इस गाड़ी में कोई खास नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लगे। थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि जब 60 की स्पीड से आप थोड़ा सा अब हो जाते हो तो गाड़ी में वाइब्रेशंस फील होने लगती है, हैंडल बार पे वो सारी वाइब्रेशंस आसानी से फील होती है। और जब आप स्लो स्पीड में चलाएंगे जस्ट लाइक 20-10, मेनली मुझे 20 की स्पीड में इसके चेनेस पॉकेट में थोड़ा सा वाइब्रेशन लगता है, बाकी बॉडी पार्ट में कोई वाइब्रेशन नहीं है। प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। ये तो रही इस गाड़ी की पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइस की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो 65,000 एक शोरूम के आसपास इसकी प्राइस है, और मुझे ये ऑन रोड भोपाल में 67,000 की पड़ी। आजकल मार्केट में इसकी काफ़ी कंपटीटर मौजूद है। अगर आप केवल स्टाइल को देखें तो ये कम्यूटर सेगमेंट में आपके लिए बेस्ट बाइक है। अगर आप थोड़ा सा स्टाइल को नेगलेक्ट करें तो TVS रेडियन 110cc में आपको इससे बढ़िया परफॉर्म कर देगी। TVS रेडियन में कुछ एक फीचर आपको जैसे USB चार्जिंग पोर्ट वगैरह आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, उसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आपको मिल जाता है, लेकिन वहीं थोड़ा सा 1,000-2,000 रुपये अगर आप बढ़ा के देखें तो होंडा की CB शाइन आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि वो 125cc में आती है, लेकिन स्टाइल वाइज ये गाड़ी उन दोनों गाड़ियों को मार दे देती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।